अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल कुक विद फेम। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज आप लोगों के साथ एक ऐसी ज़बरदस्त चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और जो भी इसे खाएंगे आपकी वाह वाह ही करते जाएंगे। टेस्टी होने के साथ साथ रेसिपी बहुत सिंपल है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्रशर में डालिए 12 लहसुन के कलियाँ, 2 इंच अदरक, इसे अच्छे से क्रश कर लें। ये तो रेडी है। अगर आपके पास इस तरह से अदरक लहसुन ना हो तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, 2 या 3 टेबलस्पून। अब नेक्स्ट हमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स भून के पीसना है, तो इसके लिए एक पैन गरम कर लें और इसमें डालिए 2 टेबलस्पून धनिया, 4 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 छोटा सा दालचीनी का पीस, लाल सूखी मिर्च, 6 से 7। ज्यादा स्पाइसी पसंद तो ज्यादा डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, या कम स्पाइसी पसंद तो कम कर लें। इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। चलिए, ये तो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसे ठंडा करने के बाद बारीक पाउडर की तरह पीस लें। पिसा हुआ स्पाइस पाउडर हमारा रेडी है। इस तरह आप फ्रेश स्पाइसेस और अदरक लहसुन यूज करके चिकन बनाएंगे तो बहुत टेस्टी चिकन बनेगा। अब नेक्स्ट एक कड़ाही गरम कर लें, इसमें डालिए घी या तेल, 2 से 3 टेबलस्पून घी यूज कर सकते हैं आप या तेल, इसे अच्छे से गरम कर लें। घी गरम होने के बाद इसमें डालिए बारीक कटी हुई प्याज, 1 बड़े से इसकी प्याज है और वजन 100 ग्राम है। गोल्डन कलर आने तक इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करते जाइए। प्याज का रंग बदल गया है, अब इसमें डालिए 1 टीस्पून जीरा, करी पत्ता डालिए, 1 कटी हुई हरी मिर्च, इसे भी फ्राई कर लें, अदरक लहसुन, इसे भी फ्राई करते जाइए अच्छे से। हमें इसमें थोड़ी सी हल्दी डालना है, 1 टीस्पून से थोड़ा कम डालिए। नमक 1 टीस्पून डाल रही हूँ, मिक्स कर लें इसे भी। 10 सेकेंड के लिए भूनिए। अब इसमें डालिए 1/2 किलो चिकन, मीट बोन है ये, पीसेस छोटे ले लें। चिकन डालने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करिए, 1 या 1.5 मिनट, चिकन का रंग बदलने तक। हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद फ्लेम को अब लो पे रख दें, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और 10 मिनट के लिए पकाइए। इसी दौरान चिकन अच्छे से गल जाएगा, पानी बिल्कुल भी मत डालिए, पीसेस छोटे हैं ना, बहुत आसानी से गल जाता है सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन बीच बीच में लिड ओपन करिए और चेक करते रहिए, वरना मसाले नीचे से गल सकते हैं। देखिए इसमें कितना सारा पानी निकला है, चिकन ऑलमोस्ट गल चुका है हमारा। ये पिसा हुआ पाउडर इसमें डाल दें, स्पाइस पाउडर डाल के फिर से मिक्स करते जाइए और पकाते जाइए। अच्छे कलर के लिए मैं इसमें थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्पाइसी नहीं होता है, बस बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। चिकन तो हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अगर आपको लगे नीचे से पकड़ रहा है और ये गला नहीं है तो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं, मतलब छिनक सकते हैं पानी, जिससे चिकन गल जाए। अब आखिर में इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें, 1/2 नींबू का रस। धनिया के पत्ते, थोड़ा सा करी पत्ता, मिक्स कर लें फिर से। गर्मा गर्म इसे सर्व करें दाल चावल के साथ या खिचड़ी के साथ, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,